हैदराबाद में हुए डॉक्टर के गैंगरेप के बारे में आप सभी जानते हो। सभी को पता है इस मामले की पूरी जानकारी जो है आप सबको पता है, लेकिन क्या आपको अभी तक ये मालूम पड़ चुका है कि वो जो चारों बदमाश थे, चारों बदमाशों को एनकाउंटर में मार दिया गया है। एनकाउंटर में मारने के साथ साथ इससे पहले इन चारों बदमाशों ने पुलिस से उनके हथियार छीनने की साजिश रची, उनसे उनके हथियार छीने और मारने की पुलिस को कोशिश की। इसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जो है चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। और ये बात है NH-44 की। यहाँ पर इन जो ये मुजरिम है इनको ले जाया गया था NH-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए पुलिस ले गई थी। और पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की थी और इस कारण जो है पुलिस ने उन पर गोली चला दी और वो वहीं पर मर गए। तो मेरे हिसाब से तो इनके लिए ये मौत भी कम थी। जो ये एनकाउंटर हुआ, गोली चली, इनके लिए तो ये मौत भी कम थी। पर ठीक है, मौत मिल गई। जो इन्होंने किया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, लेकिन जो इन्होंने किया उससे ये कम था। आगे के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि जो है हर लेडीज, हर फीमेल जो है सेफ फील करे और ऐसी जो घटनाएं हैं वो आगे ना हो। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्रेस सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ऐसे ही टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।